हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, इससे पिछले वाले क्लास में जो है हम लोगों ने प्रश्नावली एक का अध्ययन कर लिया था। प्रश्नावली एक आपकी समाप्त हो गई थी। आज हम प्रश्नावली दो का स्टार्ट करने चल रहे हैं। प्रश्नावली दो जो है आपका बहुपद है। इससे भी बोर्ड पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत एक ईजी टॉपिक है, बहुत एक सरल अध्याय है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, उसके बाद प्रश्नावली 2.1 का देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक टॉपिक बनाते हैं। जरा सा आपके चैप्टर का क्या नाम है? प्रश्नावली 2 है। क्या है भैया? प्रश्नावली 2 है, ठीक, जिसका नाम क्या है? बहुपद। क्या नाम है भैया? बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर बहुपद होता क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया? बहुपद, ठीक। बहुपद यानी बहु का मतलब होता है अधिक। बहु का मतलब क्या होता है? अधिक। अधिक पदों वाले ही क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल लिखते हैं एक्स प्लस फोर, फिर इसके बाद अगला क्या लिखते हैं? एक्स प्लस टू, फिर क्या लिखते हैं? एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, फिर क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन, फिर क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स प्लस दो लिख देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों कि ये जो बताए जा रहे हैं आपके लिए थोड़ा सा जानकारी जरूरी होती है। बेसिक चीज़ अगर आपके क्लियर रहेंगे तो आपको आगे कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। हमने क्या बताया, ये क्या बना के रखा गया है? ये आपका एक पद कहलाता है। क्या कहलाता है? एक पद कहलाता है। एक पद, दो पद। तो हमने देख रहे हैं कि यहाँ पर जब पदों की संख्या क्या हो रही है? दो हो रही है। जब पदों की संख्या दो हुई तब भी बहुपद हुआ। जब पदों की संख्या क्या हो गई? एक पद दो पद, तब भी बहुपद हो जा रहे हैं। एक आप एग्जाम्पल और आपको समझाने के लिए लिख देते हैं। एक्स लिख देते हैं, फिर 2y लिख देते हैं, फिर उसके बाद 4x स्क्वायर लिख देते हैं। चलिए अब समझेंगे और अच्छे से। हमने क्या कहा? जब पदों की संख्या एक और दो हुई तब भी बहुपद, जब पदों की संख्या एक और दो हुई तब भी बहुपद, जब पदों की संख्या एक दो तीन हो गई तब भी बहुपद है, जब पदों की संख्या तीन हुई तब भी बहुपद है। पर जब हम लोगों ने देखा पदों की संख्या एक है, जब पदों की संख्या एक है तो ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद से इनका नाता टूट गया प्यारे बच्चों, ये बहुपद नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या इन सब की क्या है? एक है, तो ये कभी बहुपद नहीं कहलाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए बच्चों कि बहुपद वे होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पद होते हैं। पद भी जान गए होंगे, आपको पद भी बता दिया गया कि एक पद दो पद, एक पद दो पद। तो मैंने बताया प्यारे बच्चों कि पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? दो होनी चाहिए या तो दो से अधिक होनी चाहिए, वो आपके क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बताया बच्चों, एक बार और बताते हैं। जब दो या दो से अधिक पद वाले क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। तो चलते हैं, बहुपद को जो है घात के आधार पे तीन भागों में बांटा गया। मैंने क्या बताया, फिर से रिपीट करते हैं, बहुपद को घात के आधार पर कहोगे घात क्या होता है? तो संख्या के ऊपर लगाई गई जो घात होती है या संख्या के ऊपर चढ़ाई गई जो संख्या होती है वो आपकी क्या कहलाती है? घात कहलाती है। तो बच्चों घात के आधार पे क्या बनाते हैं टॉपिक? घात के आधार पे, घात के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण। चलो प्यारे बच्चों समझते हैं घात के आधार पे। तो एकाग दो एग्जाम्पल समझते हैं तब हम बताते हैं क्या होता है। तो एक होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा क्या होता है? द्विघात बहुपद। क्या होता है भैया? द्विघाती बहुपद। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद। क्या होता है प्यारे बच्चों? त्रिघातीय बहुपद। आइए जरा सा समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। रैखिक बहुपद क्या होते हैं? जिनके घात केवल एक होते हैं, जिनकी अधिकतम घात क्या होती है? एक होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बहुपद जिनके घातों की संख्या एक होती है, जिन पे अधिकतम घात एक होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद कहलाते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं एक्स प्लस टू टू एक्स प्लस फाइव फाइव एक्स प्लस सेवन,
फिर क्या है भैया, 6x प्लस टू, फिर 100x प्लस y, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। हमने क्या बताया, देखिए इनकी अधिकतम घात कितनी है भैया, एक है, तो जो एक जिनकी घात अधिकतम एक होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे रैखिक बहुपद कहलाते हैं। अगर प्यारे बच्चों एक चीज़ और यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ये सब एक चर वाले हैं, ये सब क्या है, एक चर वाले हैं, पर ये क्या है भैया, दो चर वाले हैं, ये हमारे क्या है भैया, दो चर वाले बहुपद हैं। ये सब एक चर, देखिए इसमें एक्स 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 सब एक चर आए हैं, पर इसमें एक चर एक्स है, एक चर क्या है भैया, वाई है। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद समझ में आए, ऐसे बहुपद जिनकी घात क्या होती है, एक होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। तो चलिए दूसरी तरफ समझते हैं, द्विघाती बहुपद क्या होते हैं, द्विघाती बहुपद क्या होते हैं, ऐसे बहुपद जिनके घातों की अधिकतम संख्या क्या होती है, दो होती है, जिनके घातों की अधिकतम संख्या क्या होती है, दो होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स हो गए, ठीक है, प्लस फाइव हो गए, फिर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स हो गए, वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गए, 100 हो गए, जेड स्क्वायर प्लस क्या हो गए, 1000 हो गए। तो ये देखिए इनके घातों की अधिकतम संख्या क्या है भैया, दो है, तो इसलिए ये हमारे क्या कहलाते हैं, द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं। हम क्या बताएं बच्चों कि ऐसे बहुपद जिनके घातों की संख्या क्या होती है, दो होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं। चलिए त्रिघाती बहुपद, तो त्रिघाती बहुपद क्या हो जाएंगे, ऐसे बहुपद जिनके घातों की संख्या क्या होती है, तीन होती है, अधिकतम से अधिकतम घातों की संख्या तीन होगी, वो हमारे क्या कहलाते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहलाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, क्या समझ सकते हैं भैया, एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस क्या है, सेवन, फिर 100x³ प्लस क्या आ गए, 7। तो ये सब क्या है भैया, ये सब देखिए इनकी घातों की संख्या क्या है, तीन है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहलाते हैं। एक बार ध्यान से और कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिएगा जैसे कि ये कौन से हैं भैया, दो पद वाले, ये द्विपदी बहुपद हैं, हमने क्या बताया, ये द्विपदी बहुपद हैं, ये कौन से हैं भैया, त्रिपदी बहुपद हैं, ये कौन से हैं, चारपदी बहुपद हैं। यानी आपको अगर पद के आधार पर बताना हुआ तो हम बता सकते हैं, जिनमें पदों की संख्या दो हो वो द्विपदी बहुपद, जिनमें पदों की संख्या तीन हो वो त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों इतनी जानकारी आपके इस चैप्टर में दी गई है, वो आप जान सकते हो। तो चलिए हम लोग बिना टाइम नुकसान किए हुए प्रश्नावली 2.1 का एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 के आपके जो सवाल दिए गए हैं आपके बुक में, वो ध्यान से देखिएगा। कुछ ग्राफ बनाए गए हैं, क्या करें, किसी बहुपद पी एक्स के लिए, किसी बहुपद, कोई बहुपद है जो कि पी एक्स का है, और के लिए वाई पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, ग्राफ में जो किसके लिए पूछ रहा है, शून्यांक किसका पूछ रहा है, पी एक्स का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, पी एक्स का पूछ रहा है। तो चलिए जो कुछ ग्राफ दिए गए हैं वो पहले सवाल का पहला पोर्शन है, पहला भाग है, वो ग्राफ कुछ आपके इस प्रकार बनाए गए हैं। ये कोई है, ये आपकी एक्स अक्ष होती है, ये आपकी क्या होती है, वाई अक्ष, ये वाई डैश, ये आपकी एक्स डैश, ठीक भैया। इसी पर एक लाइन खींची गई है जो कि वाई अक्ष को क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, क्या कर रही है भैया, वाई अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रही है। इसी में आपका दूसरा पार्ट बनाया गया, दूसरा पार्ट क्या है भैया, ये आपके क्या हो गए, चलिए ये आपकी हो गई वाई हो गए, ये आपके क्या हो गए, वाई डैश हो गए, और ये आपके क्या हो गए भैया, एक्स डैश हो गए, और ये आपके क्या हो गए, एक्स हो गए। तो इसमें एक कर्व बनाया गया जो कि कुछ ऐसे करके बनाया गया, ठीक भैया। तो ध्यान से समझिएगा, इन दोनों सवालों को देख लेते हैं फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इनमें पूछ रहा है कि इनमें इस पी एक्स बहुपद के लिए शून्यांकों की संख्या, तो एक आप ध्यान से समझिएगा, एक ट्रिक वाली पॉइंट पकड़िएगा कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन
एक्स को जितनी जगह काटे रहेंगी, जितनी जगह प्रतिच्छेद किए रहेंगे, केवल एक्स अक्ष को, क्योंकि पी एक्स के लिए पूछा, वाई के लिए नहीं पूछा है। अगर वाई के लिए पूछता तो देखते ये वाई को कितने जगह काटी है, तो हमको क्या पूछा है पी एक्स के लिए। तो पी एक्स के लिए देखेंगे कि दी गई जो लाइन है वो एक्स को कितनी जगह काट रही है। तो प्यारे बच्चों देखो, क्या ये लाइन एक्स को कहीं पर काटी है, नहीं काटी है, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे पी एक्स के लिए, पी एक्स के लिए शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या जीरो है। शून्यांकों की संख्या क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये जो दी गई रेखा है वो एक्स अक्ष को कहीं पर काट नहीं रही, कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। चलिए दूसरे सवाल में बढ़ते हैं। पी एक्स के लिए, पी एक्स के लिए शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये देखिए, ये जो कर्व बनाई गई है वो ऐसे होते हुए y को एक जगह प्रतिच्छेद करते हुए, पर वो आगे बढ़कर x को एक जगह प्रतिच्छेद की है, यानी हमको पता चल गया कि px के लिए इस ये जो रेखा बता रही है वो शून्यांकों की संख्या क्या यहाँ बता रही है, एक बता रही है। क्यों, क्योंकि एक जगह यह प्रतिच्छेदित किया है। ठीक, तो आगे हम लोग इसी क्रम में आपका तीसरा सवाल ले लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं, चौथा पांचवा जो भी है, छोटा सा अध्याय है, तो इसमें हम बता देते हैं सब, जहां तक उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा और लगा भी लेंगे प्यारे बच्चों अगर मेहनत करेंगे तो। प्रश्नावली इसका तीसरा सवाल है आपके, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, पहले का ही तीसरा है। ठीक, तो इसका है कुछ ग्राफ आपके ऐसे दिए गए हैं, ये आपके क्या होते हैं वाई होते हैं, ये आपके वाई डैश होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, फिर इसमें कुछ ग्राफ आपके ए ऐसे करके ऐसे दिए गए हैं। ठीक, ये फिर उसी में एक चौथा पार्ट भी है, उसको भी नोट कर लेते हैं। चौथा पार्ट ये कुछ इस प्रकार है कि ये वाई और क्या हो गए वाई डैश हो गए, फिर ये क्या है एक्स है, ये एक्स डैश हो गए, फिर इसमें ये कुछ है ऐसे का ग्राफ बनाया गया है, फिर उसके बाद एक पार्ट इसी इलाक और ले लेते हैं, चौथे के बाद क्या आ गए पांचवा नंबर, पांचवा नंबर क्या कह रहा है कि ये वाई है, ये वाई डैश है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है। ठीक, इसमें कुछ ग्राफ ऐसे बनाए गए हैं, फिर ऐसे बनाए गए हैं। ठीक, उसके बाद कौन है लास्ट नंबर है इसका सिक्स नंबर, वो क्या कह रहे हैं कि ये कोई वाई है और ये वाई डैश है और ये क्या है एक्स है, ये एक्स डैश है। ठीक, अब इस पर कुछ ग्राफ आप ऐसे बनाए गए, फिर उसके बाद ठीक एक बार और थोड़ा सा ऐसे, ठीक ऐसे ऐसे, ठीक ये हो गए। तो ध्यान से समझिएगा कि आइए इनके लिए शून्यांकों की संख्या निकालना, वो भी पी एक्स के लिए। तो ध्यान से समझो कि ये हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, कि जो ये कर्व दिए गए हैं वो एक्स अक्ष को जितनी जगह प्रतिच्छेद करेंगी, एक्स अक्ष को जितनी जगह काटेंगी उतने शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। तो देखिए ये एक जगह काट रही हैं, इससे हमसे लेना देना नहीं, क्योंकि ये वाई को काटी है, यहाँ दो जगह हो गए, यहाँ कितने हो गए तीन जगह, तो इसके लिए जो शून्यांकों की संख्या हो जाएगी, तो लिखेंगे पी एक्स के लिए शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी तीन हो जाएगी। आइए अगले वाले ग्राफ पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये कितनी जगह काट रही है एक और कितने दो, तो इसके लिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी। ठीक, अब आप यहाँ देखिए एक दो तीन चार, तो भैया शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी चार हो जाएगी। ठीक, क्योंकि चार जगह प्रतिच्छेद किए। अब यहाँ देखिए एक दो तीन चार पाँच, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई पाँच हो गई। प्यारे बच्चों शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई पाँच हो गई। ठीक, तो इस प्रकार आपका जो प्रश्नावली 2.1 होता है वो समाप्त हो जाते हैं। अगर प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ में अपने दोस्त या अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, मेहनत करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।